हेलो फ्रेंड्स, मैं साहब डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक नोज से रिलेटेड समस्या है, कॉडल सेप्टम डेविएशन, CSD। क्या है कॉडल सेप्टम डेविएशन? पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक नोज से रिलेटेड, ENT से रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार जो है आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जो नोज़ की एक बड़ी विचित्र सी प्रॉब्लम होती है कि अगर हम उसको फ्रंट से देखते हैं, उनको हम सामने से देखते हैं तो उनका नोज़ परफेक्ट है, बट दोस्तों अगर हम उसको यूँ अगर हम करके देखते हैं तो उस पेशेंट के दोनों तरफ के नोस्टिल अनइक्वल होते हैं, उसके दोनों नोस्टिल बराबर नहीं है एंड वो उस चीज़ से बड़ा परेशान रहता है। क्योंकि जब वो पेशेंट अपनी पिक क्लिक करता है, सेल्फी लेता है, तो वो जो यहाँ का ये जो सेंटर का जो नाक का बीच का पार्ट है वो उसका एक तरफ डेविएटेड होता है एंड बहुत बार इस प्रॉब्लम के कारण रिगार्डिंग द अपीरियंस और कॉस्मेटिक के साथ साथ में उसको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। उसका जो है नोज एक तरफ से ब्लॉक होता है और पेशेंट उसके लिए जो है वो यों पुल करके उसको सांस लेना जो है उसको पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इसको CSD यानी नोज कॉडल सेप्टम डेविएशन, कॉडल वर्ड दैट मीन्स दोस्तों जो हमारा नोज के बीच का जो सेप्टम है, ये जो नोज के बीच में जो हमारा एक सेप्टम जो नोज को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसके आगे वाले पार्ट को कॉडल पार्ट बोलते हैं। तो ये जो कॉडल पार्ट है ये हमारा जो कोलोमेला जो नाक का पार्ट है उसके एग्जैक्ट पीछे होना चाहिए, जिससे इसको सपोर्ट रहता है और दोनों हमारे जो नोस्टिल हैं वो इक्वल और सिमेट्रिकल शेप में रहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि दोस्तों ये जो पार्ट है ये यूँ डेविएटेड होता है या ये यूँ डेविएटेड होता है, इसको कॉडल सेप्टम डेविएशन बोलते हैं। और उसके कारण क्या होगा कि जो हमारा जो ये ब्रीदिंग लेने का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है नाक के नोस्टिल का, वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो जिस साइड ये कॉडल सेप्टम डेविएशन है उस साइड हमें ब्रीदिंग कम होती है, हमारा जो एक्सटर्नल नेजल वॉल है वो इनसफिशेंट हो जाता है। तो इसको जो है दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है पेशेंट के सामने बड़ी विचित्र है एंड बहुत बार क्या है डॉक्टर के सामने भी होता है कि क्या मुझे राइनोप्लास्टी करानी पड़ेगी, क्या मेरे को बिना राइनोप्लास्टी ये ठीक नहीं हो सकता। सो दोस्तों, ये जो सर्जरी है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको बिना राइनोप्लास्टी सर्जरी भी ठीक किया जा सकता है। ये अच्छे से हमें दिमाग से बिठा लेना चाहिए। ओनली जो है सेप्टोप्लास्टी की जो टेक्निक है उसी में अगर मॉडिफिकेशन किया जाए तो ये ठीक हो सकता है। इसमें क्या है दोस्तों कि जो एक सेप्टोप्लास्टी की जो है एडवांस टेक्निक होती है, कंप्लीट रिपोजिशन ऑफ कॉडल सेप्टम, जिसमें क्या है कि एंडोस्कोपिक टेक्निक से अंदर की अंदर जो है इंसीजन और चीरा लगा के उस एक्सिस पार्ट को रिमूव करके बाकी जो हमारा ये जो पार्ट है इस पार्ट को यूँ स्ट्रेट इस पार्ट के पीछे फिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम कॉडल सेप्टम करेक्शन बोलते हैं। दोस्तों, इसमें बाहर से कोई नोज को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, बाहर से कोई चीरा नहीं लगता, बाहर से इसमें कोई इंसिजन नहीं लगता एंड सर्जरी के जस्ट बाद में ये विजिबल नहीं हो सकता एंड सर्जरी के एक दिन बाद में आप अपना यूजुअल रूटीन पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, हमारा नॉर्मल सारा काम कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उस एडवांस प्रॉपर टेक्निक से होना चाहिए। बहुत बार दोस्तों कारणवश या सर्जन को भी उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण बहुत बार क्या है कि बहुत सारे लोग उस नोज के जो एक्सिस पार्ट को यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। क्या होता है दोस्तों, कॉन्सिक्वेंटली क्योंकि जो ग्रेविटी के कारण, जो हमारे स्किन के जो है प्रेशर के कारण, ये कुछ दिनों के बाद नोज नीचे आ जाता है, जिसको हम ड्रूपी नोज प्रॉब्लम कहते हैं। जो एक प्रॉब्लम हम ठीक कराने गए थे तो हमें दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसलिए दोस्तों, कोई भी सर्जरी है, कोई भी टेक्निक है, कोई भी सर्जन है, उसको आप कराने से पहले अच्छे से उसको जो है वो उसका विचार करना चाहिए, उसके टेस्टिमोनियल्स का पता लगाना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस देखना चाहिए, उसका जो है वो एक्रीडेशंस देखना चाहिए, जिससे हमारे को जो हम प्रॉब्लम ठीक करा रहे हैं रेदर देन वो प्रॉब्लम ठीक हो, ऐसा नहीं कि हमें दूसरी एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई। सो दोस्तों, आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द CSD कॉडल सेप्टम डेविएशन, हाउ कैन वी करेक्ट, कैसे इसका इलाज होता है, आई थिंक दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। सो यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द दिस कॉडल पार्ट ऑफ द सेप्टम डेविएशन प्रॉब्लम्स। एंड आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन पुट माई कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। थैंक यू।